We have just finished visiting Botanical Garden of Gangtok City. My friends, Mr. Eliu and Mr. David, Mr. Simon and Mr. Tobden have visited and enjoyed the moment. Yeah, did you like the place, brothers? Yes. How was it? Awesome. Awesome. So what do you want to share about this? It's a very nice place and nice atmosphere. Mm-hmm. I like it so much. Mm-hmm. I don't have how to explain. I don't have any words. Can you hold on? And I want to just take some and ask some things about your experience in Botanical Garden. Yes. Yes. There are so many animals. Mm-hmm. Leopards, mm-hmm. Leopards, bear, mm-hmm. Red bears. Mm-hmm. They all are enjoying mm-hmm. life. Mm-hmm. Okay. आपको क्या कहना है गैंगटॉक के बारे में? Yes, गैंगटॉक is a nice place. Eh? Mm-hmm. First of all, I would like to thank Kevin, mm-hmm. Mr. Pawan Chandran, Mr. CM. अच्छी तरह से सबको maintain किया. Okay. Yes. And then people कैसा लगा आपको? People, yes, Gangtok people. Awesome, बहुत अच्छा. Okay. They got me a discipline. Mm-hmm. Discipline बहुत अच्छा है. Mm-hmm. And इधर का friendly बहुत अच्छा होता है. मैं देख रहा हूँ आपका आपका वो दोस्त लोग इधर मैंने देखा गाड़ी में वो लोग जा रहे हैं तो वो लोग को क्या कहना है आप क्या बोलना चाहेंगे गैंगटॉक के बारे में क्या सोचता होगा वो लोग He's my one of my friend. Mm-hmm. His name is Simon. Mm-hmm. He also enjoying mm-hmm. probably. Mm-hmm. And उसको भी बहुत अच्छा लगा है. और मैंने देखा वो एक साइमन भाई तो थोड़ा हाइट्स का फोबिया था मतलब उसको बहुत डर आ रहा था. तो क्या कहना है फर्स्ट टाइम विजिट है उसका. फर्स्ट टाइम विजिट है इन गैंगटॉक में. तो उसका प्रॉब्लम होना है वॉक में. No, he will be managed. Okay. मेरे पास अभी साइमन भाई आ गया है और उसने गैंगटॉक में इंजॉय किया बहुत अच्छा लग रहा है उसको और उसने उसको थोड़ा बहुत डर भी हुआ था क्योंकि हाइट्स का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी नो प्रॉब्लम उसने थोड़ा मैनेज किया है और मुझे लगता है वो उसके इसका एक्सपीरियंस के बारे में वो कुछ शेयर करेंगे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे पहली बार फर्स्ट टाइम आया यहाँ और सबको बहुत अच्छा लगा कभी नहीं देखा था ऐसा और इतना ऊंचाई में भी नहीं उठा था और इसका और सिक्किम का डिश के बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना कैसा लगा आपको मोमोज थुक्पा और कुछ तो आप लोग ने टेस्ट किए होंगे मोमो इतना अच्छा नहीं लगा क्यों अच्छा दुकान में नहीं गया था क्या आप लोग शायद नहीं है मुझे बहुत अच्छा लगा मोमो थुक्पा मैं तो स्ट्रांग हूँ अच्छा और मैंने सुना आपने पहली बार आलू और थुक्पा ट्राई किया था खाया वो भी इतना अच्छा नहीं लगा तो आगे का प्लान क्या है अच्छा करना चाहेंगे अच्छा खाना चाहेंगे क्या मुझे यहाँ पे रुकने का प्लान है ओके ओके सो यू वांट टू गेट मैरी आल्सो हियर यस ऑब्वियसली व्हाई नॉट ओके व्हाई नॉट ओके थैंक यू सो मच लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोग और भी इंजॉय करेंगे इस जगह पे इस जगह खाली जू पे नहीं और भी साइट सीन पॉइंट्स है बहुत सारे गैंगटॉक का मतलब इट इज़ वेरी नेचुरल ब्यूटी gifted all parts of Sikkim if you want to visit south Sikkim west Sikkim or even north Sikkim beautiful ranges and beautiful valleys Gurudongmar lake so hum aasha karenge aap shaadi karke aur aapke family ke sath acche se ghumenge aur I have a brother my brother David who is also a type of guide today for these brothers accompanied with them friends so what is the experience you want to share with your friends now according to their point of view so they are enjoying okay so this is the first time for them so I think they said that it's very beautiful place and lots of enjoyment they are doing and still they are going for अच्छा तपाईँ नेपाली नै बोल्नुहुन्छ है तपाईँले अलिकति हाम्रो सिक्किमको सुन्दरताको बारेमा अलिकति वर्णन गरिदिनुहोस् न उहाँलाई अलिकति के कस्तो छ तपाईँको एक्सपिरियन्समा यत्रो सालमा तपाईँले भन्नुभएको देख्नुभएको
कसैलाई सेयर गर्नुभएको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा यो हिमालय रिजनमा पर्छ अनि जसलाई चाहिँ एउटा विश्वली पनि अलिकति चिन्ने गर्छ वेदर हाम्रो वातावरण इन्भाइरोमेन्टदेखि सबै कुरा लिएर चाहिँ अति नै राम्रो छ अनि सुटेबल छ अनि यहाँनिर बस्नको लागि अनि शान्ति छ अनि यस ठाउँमा मानिसहरू पनि अति नै लोकप्रिय अनि एकअर्कालाई माया गर्ने अनि एकअर्कालाई ओके ओके अनि तपाईँले के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ कोही टुरिस्टहरू यहाँ घुम्नु आउन चाहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हाम्रो विषयमा हाम्रो सिक्किमको विषयमा अनि तपाईँको हाम्रो यहाँको स्वस्थताको विषयमा है अनि हाम्रो सिएम साहबले जुन प्रकारले मेन्टेन गर्नुभएको छ टुरिज्मलाई यहाँको युथहरूलाई मोटिभेट गर्नुभएको छ सो तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा सबैको लागि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ गभर्मेन्टले जुन प्रकारको प्रावधानहरू दिनुभएको छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले सही प्रकारले प्रयोग गरेर अनि जुन चाहिँ प्रकारको गभर्मेन्टले हामीलाई जुन प्रकारको हामीले इन्जोयमेन्ट एउटा गर्नको लागि ठाउँहरू बनाइदिनु भएको छ त्यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो टुरिस्टहरूले चाहिँ असल प्रकारले इन्जोय गरेर अनि त्यसको सुन्दरतालाई उपभोग गरेर चाहिँ यसको धेरै मेसेजहरूलाई सन्देशहरूलाई चाहिँ अरू ठाउँ पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु हुन्छ थ्याङ्क यू डेभिडज्यू